वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो रिसेंटली आलिया भट्ट की मूवी रिलीज हुई है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जिसमें उनका ये जो लुक है ये बहुत पॉपुलर हुआ है इट इज अ वेरी फीयर्स इंडियन लुक और मैं इस वीडियो में ये पूरा लुक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए रिक्रिएट करने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इन स्टोर है इस वीडियो में सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड टू बिगिन द ट्यूटोरियल मैं सबसे पहले जो रेनी का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर है इसको यूज़ करूँगी अगर आपकी स्किन में पोर्स हैं तो ये बहुत अच्छा सिलकॉन बेस्ड प्राइमर है क्योंकि ये ना वो जो एक ब्लरिंग इफेक्ट होता है वो आपकी स्किन को दे देता है इसके बाद जब प्राइमर अच्छे से सेट हो गया है मैं अपना ऑलवेज ट्रस्टेड जो है मेरा एल ए गर्ल एच डी प्रो कंसीलर मीडियम बेज शेड में उसको लगाऊंगी। कंसीलिंग जो है मैं थोड़ी सी हैवी करूँगी आलिया भट्ट का जो मेकअप है वो काफ़ी नेचुरल सा है लेकिन मुझे अगर वो नेचुरल लुक भी रिक्रिएट करना है तो मुझे कंसीलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी डार्क पैचेस और पिगमेंटेशन है अंडर आइज अराउंड द नोज अराउंड द माउथ जहाँ जहाँ पे भी मुझे रिक्वायरमेंट लगी मैंने अच्छे से कंसील करा है और उसके बाद मेरे पास ये एक ब्यूटी ब्लेंडर है जो पॉइंटेड है इससे मैं इसे ब्लेंड करूँगी मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ॉन की सेल से मंगाए हैं और आ, मतलब काफ़ी अच्छे रेट्स पे मुझे मिल गए हैं और ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं इसके बाद मैं फ़ाउंडेशन लगाऊंगी लैकमे का नाइन टू फाइव ये मेरा सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना गो टू फाउंडेशन ये वो है मैं इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ फाउंडेशन लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप इक्वल गैप्स पे डॉट्स के फॉर्म में पूरा फाउंडेशन लगा दो इससे क्या होगा आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा राइट इसके बाद सेम वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके मैं आप देखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो फाउंडेशन है वो इक्वल डिस्टेंस पर लगाया है तो अब मेरा जो टारगेट है वो है टैप 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 तो उससे क्या हो रहा है फाउंडेशन जो है वो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा और बहुत अच्छा कवरेज मिल जाएगा हमें मैंने आइस के ऊपर इस फाउंडेशन को नहीं लगाया है क्योंकि वहाँ के लिए हमें एक दूसरा प्रोडक्ट हमें एक आई प्राइमर और या जो एक लाइट कंसीलर बेस होता है वैसे हम इसको सेट करेंगे एक बार जब मेरा फाउंडेशन अच्छे से मुझे लगा है कि ब्लेंड हो गया है देन मैंने मे का लास्टिंग फिक्सर लिया है आप जो भी मेकअप फिक्सर यूज करते हो आप कर सकते हो अच्छे से आपको स्प्रे करना है फ़ाइव टेन सेकेंड्स का बफर देना है और उसके बाद सेम ब्लेंडर यूज़ करके इसी डैबिंग मोशन में पूरे फेस पे इसको चलाना है इससे क्या होगा एक तो आपका बेस सेट हो जाएगा और सेकेंडली अगर कहीं पे कुछ हल्का फुल्का लाइन कुछ भी ऐसा रह गया है वो इससे जो है वो कवर हो जाएगा अब मैं ये के ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड हंड्रेड एंड टेन एन लाइट इसको मैं लगाऊंगी अपनी आइस के ऊपर लाइट बेस हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें ना एक हैवी कोल्ड इफेक्ट देना है तो अगर हमारा बेस लाइट है उस पर जब हम वो काजल लगाएंगे तो वो उभर कर आएगा इसीलिए मैंने फाउंडेशन ना लगाकर एक लाइट शेड का कंसीलर लगाया आपके पास जो भी कंसीलर अवेलेबल है प्रेफरेबली लाइटर शेड में आप वो लगा सकते हो इसके बाद मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट लिया है इसे एक बहुत ही अर्दी ब्राउन कलर लिया है एक छोटे फ्लफी ब्रश में इसको मैं क्या करूँगी अपने पूरे जो आई सॉकेट है उसमें लगाऊँगी फोकस मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है बाहर की तरफ लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कोई डार्क टू लाइट ऐसा कुछ क्रिएट करना है हमें मेक श्योर sure करना है कि ये जो एक कलर है ये पूरे जो हमारा आई सॉकेट है उसमें लग जाए और बहुत वेल ब्लेंडेड तरीके से लगे आप देख सकते हो कितना अर्दी और कितना ब्यूटिफुल सा ब्राउन कलर है इसके बाद मैं लूँगी कीरो का ये काजल आप जो भी काजल यूज़ करते हो आप कर सकते हो करेंटली मैं ये बहुत यूज़ कर रही हूँ एज एन आई लाइनर हम इस काजल को लगाएंगे आप देख सकते हो कि लास्ट लाइन के कितना पास मैंने इसको लगाया है और इमिडिएटली उसको लगाने के बाद एक छोटे ब्रश से हम इसे ब्लेंड करना शुरू कर देंगे मुझे ये प्लूम का ब्रश बहुत पसंद है ये भी मैंने अमेजोन की सेल से एक पूरा का पूरा प्लूम का किट उठा लिया था बहुत अमेजिंग ब्रशेज है और ये वाला तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और आप देख सकते हो कि मैं कितना इमीडिएटली इसको पूरा ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये जो काजल्स होते हैं ना ये जेल फॉर्मेट के होते हैं अगर ड्राई हो गया तो ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी तो आपको जो है बहुत जल्दी जल्दी काम करना है टाइट लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आलिया का इतना हैवी कोल्ड मेकअप लुक है कि आप बिना टाइट लाइनिंग के जो आपका मेकअप है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा तो आप देख सकते हो कि मैं लोअर वाटर लाइन में भी काजल लगाऊंगी बाद में और अपर में भी लगा रही हूँ इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैंने इसी ब्रश पे ब्लैक कलर का आई लिया है फ्रॉम द सेम पैलेट और उसी तरीके से मैं उसे स्लाइटली रब कर रही हूँ तो इससे क्या होगा ये जो इंटेंसिटी है ये आपके हाथों में आप इसे जितना बढ़ाना चाहो आप उसे उतना बढ़ा सकते हो आई एम हैप्पी विद दिस जो आईब्रोज हैं वो मुझे बहुत नेचुरल रखने का मन है इसीलिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा शेपिंग या फिलिंग नहीं कर रही हूँ मेरे पास ये के ब्यूटी का आईब्रो फिलर है जिसमें आगे ना ऐसे इंडेंट्स बने हुए हैं बस मैं इसको कैजुअली अपनी आईब्रोज पे चला रही हूँ बिकॉज़ आलिया के आईब्रोज़ बहुत जैसे नेचुरल फ्लफ़ी आईब्रोज होते हैं वैसे दिखाए गए हैं तो मैं बिल्कुल भी इसमें कुछ आर्टिफिशियलिटी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ अच्छा प्रोडक्ट है स्पेशली अगर आपको ऑन द गो आईब्रोज ग्रूम करनी है तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है जो कंसीलर मैंने अपने आई बेस पे लगाया है अब उसी कंसीलर को मैं एज अ हाईलाइटर अपने पूरे फेस पे यूज़ करूंगी हाईलाइट हम करते हैं अंडर द आईज ब्रिज ऑफ द नोज सेंटर ऑफ द फोर हेड क्यूपिड्स बो हल्का सा चिन एरिया में और जो कॉन्टूअर के ऑपोजिट जो दो हमारे इंडेंट्स बनते हैं वहाँ पर ऑफकोर्स आलिया हैज़ सच अ ब्यूटिफुल चिजल्ड फ़ेस और मेरा फेस उतना चिजल्ड नहीं है तो ये मेरे ना कुछ अटेम्प्ट हैं थोड़ा बहुत यू नो क्लोज टू चिजलनेस आने का तो इस क्योंकि एक बहुत ही क्रीमी प्रोडक्ट है तो इसको ब्लेंड करना इजी होता है लेकिन तब भी मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जल्दी जल्दी ये सारे काम करो जितनी देर वो प्रोडक्ट वहाँ पे पड़ा रहेगा वो उतना ज़्यादा सेटल हो जाएगा और ब्लेंडिंग करना टफ़ हो जाएगा स्पेशली जो हमारा अंडर आई वाला एरिया होता है वहाँ पर हमें कम प्रोडक्ट लगाना है और ज़्यादा ब्लेंडिंग करनी है कॉन्टोअरिंग के लिए मैं अगेन ये एक अच्छा सा ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ आप जो भी अगर आप क्रीम कॉन्टोअर पसंद करते हो तो आप क्रीम कर सकते हो मुझे पर्सनली पाउडर कॉन्टोअरिंग थोड़ी ज्यादा पसंद है थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है मुझे तो मैं वो कर रही हूँ तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना कॉन्टूअर का और हाईलाइट का जब ये मिक्स होता है तो जो पूरा एक डायमेंशन होता है ना फेस का वो बहुत अच्छा हो जाता है इट गेट्स अ लॉट ऑफ डेप्थ टू योर फेस तो ये ही मेरा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा मैं चीक uh, बोन्स कर दिया है बिकॉज तो, मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पर भी कर दिया है अब आता है मैजिक वाला पार्ट जिसमें हम लगाएंगे काजल वो भी भर भर के मतलब लिटरली हमें बहुत जैसे नहीं घिस घिस के काजल लगाना है और इंटेंशनली उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है क्योंकि जब हम इसको स्मच करेंगे ना तो हम पहले कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं ले रहे जो काजल हमने लगाया है हम एक छोटे से ब्रश से उसी को ही स्मच करना शुरू कर रहे हैं और आप देखना कितना ब्यूटीफुल सा वो एक ब्लैक ब्लैक सा इफ़ेक्ट आ जाता है तो जितनी इंटेंसिटी इससे आ गई आ गई अगर आप चाहते हो अगर इफ़ यू आर हैप्पी विद इट ओके अगर आप चाहते हो और इंटेंसिटी बढ़े तो आप उसी तरीके से ब्लैक आई शेडो लोगे और उसी पोर्शन में दोबारा से इसको इस तरीके से टू एंड फ्रो रब करना शुरू कर दोगे बहुत ही ईजी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पावरफुल तरीका होता है ये कोल्ड आइज़ क्रिएट करने का ब्लश के लिए मैं अपना ये जो मेरा मोस्ट फेवरेट एप्रिकॉट शेड का ब्लश है मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्लश uh, जो है आलिया भट्टे बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है uh, पूरे फेस में अगर आप देखोगे पूरी मूवी को तो बहुत ज़्यादा ब्लश का रोल नहीं है बट आई लाइक ब्लशेज तो ये एक ऐसी लिबर्टी है जो मैंने ली है तो मैं अच्छे से ब्लश लगा रही हूँ और इसको भी मैं सी शेप में लगा रही हूँ ताकि जो चिजलनेस है मेरे फेस की वो बरकरार रहे जितनी भी मैंने क्रिएट करी है मस्कारा uh, मुझे पर्सनली ये पारुलकर का मस्कारा अभी करंटली पसंद है आप जो भी मस्कारा लगाते हो आप वो यूज़ कर सकते हो मैं फॉल्स आई नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगती है लेकिन आलिया भट्ट ने फॉल्स आई लैशेज़ लगाई है सो इफ़ यू आर कम्फर्टेबल यूजिंग दैम आप प्लीज़ गो हैड आप उसे लगाओ मैंने बहुत सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी है काफ़ी अफोर्डेबल लैशेज़ की भी शेयर करी है आपको सारा सामान मिल जाएगा लिपस्टिक के लिए मैं ये लैकमे का शेड यूज़ कर रही हूँ मैंने ना दो कॉम्बिनेशन एक यूज़ करने की कोशिश करी है क्योंकि मेरे पास वो एग्जैक्ट शेड मुझे मिल नहीं रहा था तो पहले ये ना एक बहुत ही लाइट मॉविश पिंक बेस की लिक्विड uh, लिपस्टिक है ये मैंने यूज़ करी है और जब ये सेटल हो जाएगी इसके बाद मैं लैकमे का ही जो मूज़ uh, एक उनका लेटेस्ट लॉन्च है मार्केट में उसको यूज़ करा है मैंने न्यूड शेड में और इसको मैं अच्छे से पूरे लिप्स के ऊपर लगा दूंगी तो ये दोनों शेड्स जब मिल जाते हैं तो जो पूरा इफ़ेक्ट क्रिएट होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएट हुआ था मतलब तो आपने फाइनल लुक में देख ही लिया था कि वो कितना अच्छा लिप कलर बनकर आया था तो इस पॉइंट पर आकर जो मेरा मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है और अब मैं जल्दी से आई जस्ट वेयर माई साड़ी एंड एक्सेसराइज एंड आई विल बी राइट बैक तो ये है मेरा फाइनल लुक विद माय हेयर विद माय रेड ब्लाउज रेड साड़ी नो स्पिन ब्लैक बिंदी एंड यू नो एवरीथिंग मुझे पर्सनली ये लुक बहुत अच्छा लगा है आई रियली लव द वेट हैज़ टर्नड आउट एंड आई रियली होप कि आपको भी ऐसा लगा कि मैंने इस लुक के साथ जस्टिस करी है मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं ताकि आपको ढूंढना बहुत ईजी हो एंड आई रियली 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 होप कि आपको ये जो मेरा अटेम्प्ट है या अच्छा लगा हो जो भी आपका फीडबैक है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड आई सी यू अगेन विद न्यू वीडियो दिन देन बाय टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव